इन योजनाओं से क्या मिलेगा किसान को? MSP दो, पहला इनका जो अध्यादेश है उसके अंदर क्या होगा, इन्होंने खुली छूट दे दी। किसको दे दी? व्यापारी को, छोटे को, बाहर की कंपनी को या अंदर की कंपनी को? उससे सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसको निजीकरण में ले जाने की कोशिश है, सिर्फ ये सेक्टर बचा हुआ था देश का कि इसमें निवेश कैसे हो। किसान चाहे मरो लेकिन विदेशी कंपनियां और हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें घुसाए जा रहे हैं और किसान बर्बाद किया जा रहा है। इस तीनों एक्ट में अगर एक चौथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का MSP से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन MSP शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करें, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी सरकार? हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा बढ़ देंगे, समर्थ बना देंगे। पूरा चीन का युद्ध लड़ रहे हैं बॉर्डर पर सारी मीडिया, वहां से थोड़ी फुर्सत मिली, हॉस्पिटल जिसमें अमिताभ बच्चन थे, नानावटी, उधर जा खड़े हुए, उधर से ये विकास दुबे पर आ गए, विकास दुबे से ये वापस फिर इसमें सचिन पायलट के वहां चले गए। किसान की देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो रहे हैं साहब, अब आर पार के बगैर कोई समाधान नहीं है। सरकार ऐसे नहीं चेते। मैं दावा करता हूँ इस प्रदेश के जितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे या किसान, आप एक बार अंदाजा लगा के देख लो, 2014 में चना, सरसों, धान, कपास, मूंग, मोठ, गुआर का क्या रेट था और आज क्या है? कम से कदम कम दो कदम तो चल के दिखलाते, दो कदम तो, बल्कि लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। आज बेचारा बिहार का किसान अपने यहाँ कुछ 1750 के आसपास इसका मक्का का MSP रखा हुआ है, वहाँ पर 600-700 से ऊपर नहीं बिका है साहब, आप तसल्ली करके देख लो। धान वहाँ पर 1200 से ऊपर नहीं बिका है, आप तसल्ली करके देख लो। वन नेशन वन मार्केट, मैं मेरे तोसाम का 5 किलोमीटर है, मैं मेरे वन नेशन वन मार्केट का मैं करूंगा क्या? मैं आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक दाना नहीं लेके गया हूँ किसी चीज का। उस मार्केट में कर्नाटक कैसे लेके जाऊंगा, मैं हैदराबाद कैसे लेके जाऊंगा, मैं पटना कैसे लेके जाऊंगा जिसका किराया इतना बड़ा? न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब किसान की बर्बादी के सिवाय इन अध्यादेशों में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये ढांचा खड़ा हुआ था, मंडियों का ढांचा। आज देश में कितने करोड़ों आदमी है जो मंडियों में रोजगार कर रहे हैं, कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े बड़े शेड खड़े हुए थे, ये उसको ध्वस्त कर देंगे। तो सरकार को जरूरत है ऐसे ऐसे कुकर्मों को सुधारे, जबकि ये रोज एक थैला भर के चले आते हैं। अब तो डर लगने लगा है देश की जनता को, कहीं बाथरूम में से कोई नेता मंत्री ना निकला और आते ही कोई योजना लॉन्च ना कर दे। हम सिर्फ चीन और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, अंदर अंदर से देश टूट गया तो पाकिस्तान और चीन, हमें तो गुलाम रहना है इनके, फिर वो कर लेंगे, फर्क क्या पड़ेगा? अंदर से मजबूत करो देश को, और किसान के बगैर मजबूत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसको उद्योग प्रधान देश बनाने की कवायद चली हुई है। WTO का प्रेशर हो या किसी बड़े बड़े अंबानी अदानियों का प्रेशर हो, बेचा जा रहा है किसान को। आज भी किसान को हम नहीं जागी तो भावी पीढ़ियां धिक्कारेंगी।